हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन है तो क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने ओप्पो डिवाइस ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन है तो क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, इस पर आप से ऑन करते हैं तो इसमें से आप इसके जरिए आप किसी भी आसपास के जो नेटवर्क होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में ये सर्च करेगा और ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में कनेक्ट भी कर लेगा। तो इसका हम ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको एक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्च सेटिंग पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको सेटिंग्स पे नहीं मिलता सर्चिंग सेटिंग में, तो सिंपल आप फ़ोन की कनेक्शन शेयरिंग सेटिंग पे जाकर भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन ही आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। ओपन होते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कनेक्शन शेयरिंग का, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही कनेक्शन शेयरिंग सेटिंग ओपन ही आएगी, जहाँ से आपको क्लिक करना है क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन पे, जहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। और कोई भी लोकेशन के जरिए आप किसी भी आसपास की लोकेशन होती है जिसमें वाईफाई नेटवर्क आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और इससे आप इंटरनेट चला सकते हैं। इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप क्विक डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।